आज शाम के 5 बजे तक, सवेरे जो हमारी मीडिया की ब्रीफिंग हुई थी तब से लेके अभी तक के कुल केस 93 जितने हुए हैं, 93। दिन दरमियान हमारे 4 ऐसे कोविड 2019 के मरीज थे कि जो चिकित्सा और ट्रेनिंग ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनका दुखद अवसान हुआ है। और आज जो बिल्कुल ठीक हो के घर वापस चले गए हैं, ऐसे हमारे यहाँ 25 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना इलाज चिकित्सा पूरा करके कोविड विनर विजेता बन के ये वापस चले गए हैं। और अभी तक जो 93 केसेस आए हैं, अहमदाबाद के 61, सूरत के 25 और वडोदरा के 7 केस हैं। और अभी तक कुल जो पॉजिटिव केसेस हैं 1939, इसमें से 131 डिस्चार्ज होके चले गए हैं, 1718 स्टेबल हैं और 19 ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर पर हैं। आज खास हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो कोविड 2019 में अभी तक जितने लोगों का दुखद अवसान हुआ है, ये अंक है 67। और इसमें से हमारी टीम ने एनालिसिस की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात भी आज के हमारे शाम की मीटिंग में इसकी विस्तृत चर्चा हुई थी। और इसमें खास ये बात निकल के आ रही है कि ऐसे लोग जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी जो 5 वर्ष की उम्र से ज़्यादा है और 60 वर्ष की उम्र से कम है, यानी इस ब्रैकेट में आते हैं, और जिनको कोई और अंडरलाइंग बीमारी नहीं है, जैसे कि कोई लंग डिजीज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, टीबी, मेंटल इलनेस, या फिर किसी को और भी इसमें जैसे निमोनिया, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, इस तरह से जो डिजीज़ जिसके नहीं हैं, ऐसे लोग जो हैं मात्र 10% जितने हमारे यहाँ कोविड 2019 की वजह से हुए हैं, मात्र और मात्र कोविड 2019 की वजह से मृत्यु हुए हैं, कह सकते हैं कि 10% ही ऐसे लोग थे, 7 लोग 67 में से, कि जिनका मृत्यु मात्र इसकी वजह से हुआ है। लेकिन बाकी सब लोगों की जो मृत्यु हुई है, ऐसे लोग हैं जिनको पहले से ही एक अंडरलाइन कंडीशन थी, जैसे हमने अभी बताया कैंसर, किडनी, या फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कन्वल्शंस, इस तरह की अलग अलग बीमारी भी थी, और कई केसेस में 2-3 ऐसे बीमारी भी थे और रिस्क फैक्टर भी थे। तो इससे हमें आज खास एक चीज़ हम सबको एक ठान लेना है कि हम सबके घरों में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स घर में हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबका बिल्कुल हम उनका सुरक्षा कवच बनाए रखें, और उनके लिए खास थोड़ी ज़्यादा केयर लें, ये ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कंडीशन ज़्यादा नाजुक होती है संक्रमण पकड़ने में, और फिर संक्रमण की वजह से उनके केस में ये क्रिटिकल भी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर आज खास हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब ने भी चिंता व्यक्त की है, और ये मैसेज हम आप सबको देना चाहते हैं, और साथ ही सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारा मोबाइल ऐप है जिसे भारत सरकार ने बनाया है, जिसका नाम है आरोग्य सेतु, ये हम सब अगर सभी नागरिक एक साथ अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे, तो फिर इसकी वजह से अगर हमारे नज़दीक कोई पॉजिटिव पेशेंट्स या उनके कांटेक्ट में आए हुए पेशेंट्स आएंगे, तो तुरंत ही हमें एक चेतावनी मिलेगी जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। नमस्कार।